संजय जाट, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल जिला आगरा। देखिए, जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि पाकिस्तान जाकर बाजवा के गले मिला था, पाकिस्तान ने जो सेना है वो हमारे भारतीय सैनिकों की खून की प्यासी सरकार के जिस तरीके से गले मिला था, मैंने पूर्व में इस पर 5 लाख की घोषणा की थी और उसने शायद मेरे चैलेंज को स्वीकार कर लिया। आगरा की जो पावन नगरी है, शहीदों की नगरी आगरा है, वहाँ पर आकर वह कुछ बच्चों को शिक्षा देना चाहता है। क्या शिक्षा देना चाहता है नवजोत सिंह सिद्धू? कि जाकर आप पाकिस्तान, जो हमारी सेना के सिर काट के ले गए, हमारी शहीद गए, उनके सिर काट के ले गए, उनको आकर आप लोग गले मिले। तो आज हम लोगों ने ऐलान किया है कि अगर वह 14 तारीख को आगरा में आया तो यहाँ से निश्चित तौर पर वो पिटे बिना नहीं जाएगा। और उसने अगर हमारा स्वीकार किया है चैलेंज, तो हम भी उसका स्वीकार कर रहे हैं चैलेंज। और आयोजन कमेटी को मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूँ कि नवजोत सिंह सिद्धू का कार्यक्रम रद्द कर दे, वरना उसके लिए जो भी जिम्मेदारी होगी स्वयं उसके आयोजक कमेटी और नवजोत सिंह सिद्धू की रहेगी। आप कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान गए थे, वो अपने क्रिकेट के रिश्ते की वजह से गए थे और प्रधानमंत्री जी तो वहाँ जाकर बिरयानी भी खाए आए हैं, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? जो पाकिस्तान से संबंध रखेगा, किसी भी किस्म से संबंध रहेगा, A to Z, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, वह चाहे कोई भी हो। अगर पाकिस्तान से कोई भी संबंध रखता है, वहाँ बिरयानी खाता है, सेना के गले मिलता है, जी आएंगे तो उनका भी विरोध करेंगे। हमने कहा है A to Z, पाकिस्तान से जो भी संबंध रहेगा, शहीद हेमराज के परिवार से पूछो, उस 3 महीने के बच्चे से पूछो जिसका बाप का सिर उसके ऊपर से उसका सर का बाप का साया हट गया, उसके गले जाके मिले सिद्धू जी। तो क्या कुछ करने जा रहे हैं आप 14 नवंबर के विरोध में? हम 14 नवंबर को बहुत जबरदस्त विरोध करेंगे। आगरा की धरती पर, शहीदों की नगरी में, जो भगत सिंह और चंद्रशेखर राजा सरदार भगत सिंह, जिन्होंने शहीदों में तिरंगे के स्थान के लिए, भारतीय संविधान के लिए और भारत की आन बान शान के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, और वही सिद्धू आज जो आगरा आ रहा है 14 तारीख को, और 14 तारीख को आगरा आके उनका अपमान कर रहा है, हम किसी भी कीमत पर अपमान नहीं सहेंगे, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और आगरा की धरती से उसको जूते मार कर भगाएंगे। आप पहले भी नाम घोषित कर चुके हैं उनके ऊपर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर मेरा इनाम आज भी है। कोई भी देशभक्त अगर गद्दारों का सिर काट के लाएगा, उसको हम लोग 5 लाख आज भी देने को तैयार है। जो भी पाकिस्तान से संबंध रखेगा, इतना शौक है तो मैं पाकिस्तान से संबंध रखने का, अपने व्यक्तिगत संबंध निभाने का, तो पाकिस्तान की सदस्यता ले लो, वहीं की सदस्यता ले लो, आराम से उनके साथ गले मिले।